हाँ जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर। आज आप कर लगे जी कंप्रेशर रेशो का फार्मूला। आप किसी भी इंजन की कंप्रेशर रेशो कि कढ़नी जी, एक पिस्टन की मान लो, चाहे चार पिस्टन की मान लो। तो आगा जी अपना, यह हैगा जी अपना अपना सिलेंडर, तो यह अपना पिस्टन है जी बेचू दे ते पिस्टन, तो यह हैगा जी अपना डी, तो यह हैगा जी एल, जिन्हों आप स्ट्रोक लेंथ कहें, जिन डायमीटर कहें पिस्टन का। ठीक है जी जी, मान लो अपना 68 हैगा जी अपना इहदा डाया हो गया, तो 54 हो गया एल। ठीक है जी, 54 एल हो गया जी। जदों यह अपना फार्मूला पुट करना जी, हैगा आपां ने फार्मूला लिखना जी डी प्लस एल जी बटे 100 करके इन डिवाइड कर देना जी। इस तरह अपने फार्मूला पुट करने वास्ते डी डायमीटर जिहड़ा दित्ता पिस्टन का डाया, ये पिस्टन का डाया किन्ना है, ये इत्थे ते इत्थे तक किन्ना डाया जी पिस्टन का। ठीक है जी, ये पिस्टन डाया अपने डी मान लेना, डी हैगा 68 प्लस एल, एल हैगा जी अपना 54, जिन्हों आप स्ट्रोक लेंथ भी कह दें, एस भी कह देंगे इनू, स्ट्रोक लेंथ भी कहते, स्ट्रोक लेंथ इनू आप स्ट्रोक लेंथ भी कह देंगे जी। आप 100 करके जी, 100 करके पहला आपने जोड़ कर लेना जी, जोड़ कर लेना जी, 68 प्लस 54 अपना 122 आ गया जी। इनू 100 दे नाल भाग कर देना जी, भाग करन तो बाद आ गया जी, यह हैगा जी 1.2, जानी कि साड़ी कंप्रेशर रेशो हो गई जी 1.22 आ गई। जानी कि कहण दा भाव हैगा जी आपां दी 1:22 जी कंप्रेशर रेशो। ये पेट्रोल इंजन सीगा जिहदा 68 सीगा डाया, तो स्ट्रोक लेंथ एल सीगी, तो 1.22 दी कंप्रेशर रेशो हो गई जी, कंप्रेशर रेशो, ये कंप्रेशर रेशो हो गई जी, रेशो हो गई जी 1.22, जानी कि कंबस्चन चैंबर के जो कंप्रेशर रेशो है 1.22। ये पेट्रोल इंजन सीगा, छोटा इंजन सीगा, ये 195 सीसी इंजन सीगा, 195 196 के करीब सीगा इंजन। आप इस तरह कंप्रेशर रेशो का फार्मूला पुट करके आप कंप्रेशर रेशो कढ़ सकते हैं। थैंक यू वाचिंग फॉर माई वीडियो एंड लाइक एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल।